बड़े चेहरे दिखाई देंगे। मंत्री जी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से उद्बोधन। मेरे परिवार के समस्त सदस्यगण, आप सबको मेरा प्रणाम। आज एक बहुत खुशी का दिवस है और एक गर्व का दिवस है। हम उज्जैन एक प्राचीन नगरी जरूर है, पर हमारी उज्जैन ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मध्य प्रदेश की नहीं, लेकिन समूचे भारतवर्ष, और मैं मानता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी भी मेरे साथ सहमत होंगे कि समूचे विश्व की एक धरोहर, महत्वपूर्ण स्तंभ हजारों साल से रही है। मैं मानता हूं कि इस बात का भी हमें बड़ा सौभाग्य है कि इतिहास में बहुत सालों बाद हम प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हमारी ही नगरी उज्जैन से पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। ये स्वयं मेरे लिए, मुख्यमंत्री महोदय, मेरे लिए स्वयं मोहन यादव जी, मेरे लिए स्वयं एक बड़ी गर्व की बात है। और मोहन यादव जी और हमारे बीच में जो एक सदियों पुराना रिश्ता भी है, और इस बात का राष्ट्र भर में मेरे दिल गर्व है कि हमारे उज्जैन नगरी के नेतृत्व करने वाले मोहन यादव जी आज पूरे मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से हम उनका स्वागत हमारे अपने अनंत करें। आज एक ही दिवस में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो प्रधानमंत्री जी ने सदैव ये माना है कि भारत में विरासत भी हो और विकास भी हो, और इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन उदाहरण आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमें उज्जैन में देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ एक धार्मिक प्राथमिकता उज्जैन नगरी की सदैव रही है। मोहन यादव जी ने अपने पिछले 2 महीने के कार्यकाल में ही यह ठान लिया है कि उज्जैन को केवल आध्यात्मिक और धार्मिक स्थिति का केंद्र नहीं, लेकिन व्यापार और व्यवसाय का केंद्र भी हमें बनाना है। और मैं बधाई देना चाहता हूं कि 60-70 दिन के समय में एक ऐसा दिवस हमें उज्जैन में देखने को मिल रहा है, जहां एक ही दिन में, जहां विक्रम उत्सव महोत्सव की शुरुआत की जा रही है, वहीं एक रीजनल इंडस्ट्री क्लेव की शुरुआत भी की जा रही है, और वहीं एक मध्य प्रदेश ट्रेड फेयर की शुरुआत भी उज्जैन में की जा रही है। तो आज अगर मोहन यादव जी उज्जैन में उपस्थित हैं तो एक चीज के साथ नहीं, लेकिन तीनों नदियों का जैसा संगम होता है समय, वैसे ही मोहन यादव जी ने उज्जैन के लिए तीनों नदियों का संगम कर दिया है, उज्जैन को विकास और प्रगति के पथ पे चलने के लिए। उज्जैन के साथ एक, जैसे मैंने कहा, एक पारिवारिक संबंध और हृदय का संबंध परिवार का रहा है। हमारी पहली राजधानी उज्जैन थी। रानोजी महाराज ने उस समय, उस काल में, कालखंड में उज्जैन को प्रगति और विकास के रास्ते में ले जाने का एक प्रण और संकल्प लिया था, और महाकाल मंदिर की स्थापना जिस इल्तुतमिश ने 1125 में उस महाकाल मंदिर को पूर्ण तरीके से नष्ट कर दिया था,
आज जो महाकाल मंदिर में हम लोग दर्शन करते हैं, मेरे पूर्वज रानोजी महाराज के द्वारा ही स्थापित महाकाल मंदिर में आज हम लोग दर्शन करने के लिए उपस्थित होते हैं। जैसे काशी में ज्ञानव्यापी कुएं में लिंग को फेंका गया था, वैसे ही महाकाल का लिंग को कुएं में रखा गया था और रानोजी महाराज ने हमारा महाकाल का मंदिर स्थापित किया। माधव महाराज प्रथम ने विकास और प्रगति का मार्ग उज्जैन के लिए प्रशस्त किया और केवल अधोसंरचना नहीं, पानी की योजना शिप्रा नदी के लिए उज्जैन के लिए बनाई, सड़कों का अधोसंरचना की पूरी एक जाल बिछाई और उसी के साथ पहला देश का एसईजेड, केवल 1990 में हम लोग एसईजेड एक्सपोर्ट जोन की बात सुनते थे, पर माधव महाराज ने 150 वर्ष पूर्व माधोगंज में फ्री ट्रेड जोन की शुरुआत की थी उज्जैन में। और आज मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे प्रदेश के नेतृत्व मोहन यादव जी ने एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और ट्रेड फेयर की स्थापना वहां की है, ताकि उज्जैन में आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़े और आर्थिक शक्ति भी बढ़े। उज्जैन की संभावनाएं अपार हैं। महाकाल लोक स्थापित होने के बाद प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा की सांस्कृतिक परंपरा और इतिहास भी बढ़े, आधुनिक साथ संगम हो और प्रदेश की उन्नति के साथ भी हमारा उज्जैन का क्षेत्र जुड़ पाए। और इसलिए जो ट्रेड फेयर की शुरुआत आज की जा रही है ग्वालियर मेला के तर्ज पर, मैं शुक्रगुजार हूं मोहन यादव जी का, उन्होंने ग्वालियर मेले के गुड प्रैक्टिसेस को देखकर उज्जैन में मेला की शुरुआत की और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, केवल उज्जैन के लिए नहीं, केवल मालवा के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए। जो आज मेला का उद्घाटन उज्जैन में हो रहा है, धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि 50% टैक्स का रिबेट मोहन यादव जी ने उज्जैन के मेला में भी दिया है, इससे बिक्री बहुत बढ़ेगी। अभी ग्वालियर के ट्रेड फेयर में करीब करीब 2000 करोड़ का की बिक्री हुई है और मुझे विश्वास है कि उस रिकॉर्ड को भी हम लोग उज्जैन आने वाले दिनों में तोड़ेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और मैं बधाई और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मोहन यादव जी को कि इतना अच्छा सकारात्मक कदम लेकर प्रदेश का ट्रेड फेयर उज्जैन में भी स्थापित किया है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आधार पर हमारा प्रदेश अवसरों और संभावनाओं का प्रदेश और हमारा ये पूरा मालवा बेल्ट केवल कृषि के क्षेत्र में नहीं, कृषि के क्षेत्र में तो एक नया रिकॉर्ड मोहन यादव जी ने स्थापित किया है, जो राजस्थान सरकार के साथ मिलकर नदियों की लिंकेज की योजना के आधार पर मध्य प्रदेश के 4 जिलों को करीब करीब 4,00,000 हेक्टेयर की सिंचाई कोटा से शुरू होते हुए पूरा ग्वालियर चंबल से मालवा तक इतिहास उन्होंने अपने 90 दिन के कार्यकाल में रचा है। मैं उनको अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं। काम पिछले 30 साल से रुका हुआ था, पिछले 60 दिनों में इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री और गजेंद्र सिंह जी के साथ मिलकर उसका हल निकाला, उसका समाधान निकलवाया। और कृषि के साथ उज्जैन में फार्मा इंडस्ट्री टेक्सटाइल्स की भी अपार संभावना है। आज इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जुड़े हुए सभी औद्योगपतियों को भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि आइए हमारे उज्जैन में, ये धार्मिक नगरी है पर व्यापार की भी नगरी है, औद्योग की भी नगरी है, इंदौर से करीब है और मोहन जी और हम मिलकर उज्जैन में नई संभावनाएं जो भी हम लोग कर पाए, हम लोग करने के लिए कटिबद्ध और संकल्पित हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केवल इंदौर नहीं
लेकिन उज्जैन भी मिनी बॉम्बे बनने जाएगा आने वाले दिनों में, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जहां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहा है, वहीं विक्रम उत्सव महोत्सव की भी शुरुआत हो रही है। और विक्रम उत्सव महोत्सव, सम्राट विक्रमादित्य का बाय मिलीनियम का उत्सव माधव महाराज के समय में मनाया गया था उनके द्वारा, और उसी तारतम्य में विक्रम उत्सव महोत्सव उज्जैन में भी मनाया जा रहा है। यहां केवल कला, नृत्य, संगीत, हमारे संस्कृति का प्रदर्शन केवल नहीं होगा, लेकिन आसपास के राज्यों के केवल नहीं, लेकिन जो मुझे सूचना मिली है, एशिया, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका की संस्कृति की कला और नृत्य का भी प्रदर्शन होगा। तो ये मालवा का एक हमारा विक्रम उत्सव महोत्सव है, ये पूरे विश्व का विक्रम उत्सव महोत्सव है, और मैं बधाई देना। मोदी सर में निर्माणाधीन